आप को हिंदू साबित नहीं कर सकते। मुनव्वर राणा ने बोला, आप अपने आप को हिंदू साबित नहीं कर सकते। बोला आपका सांसद बोल रहा, शायर बोल रहा है, आप हिंदू साबित कर दीजिए। आप हिंदू साबित कर दीजिए। चतुर्वेदी डोंट एंगेज विद हिम बिकॉज़ ही इज ट्राइंग टू स्पॉइल द डिबेट। बाबर तो हिंदुस्तानी नहीं था, कहे बाबर के साथ खड़े थे विषय पे रहिए। इसके साथ खड़े थे विषय बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे। बाबरी मस्जिद नाम था, मस्जिद बाबरी मस्जिद नाम था, आज भी खड़ा हूँ। बाबरी मस्जिद नाम आपने उसको तोड़ा है, मैं अपने बयान पे आज भी कायम हूँ। बाबरी मस्जिद आपने उसको तोड़ा है, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आया अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद ऑडियो डाउन है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद बाबरी डिस्प्यूटेड है। क्या बात है, बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं पता है, पढ़िए जाके विवादित ढांचा पे बाबरी मस्जिद शादी कर देनी चाहिए, कहीं ना कहीं सही है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने आपने वो चलाया टीपी, उन्होंने बोला कि घर में अगर एक औरत अकेली है, हाँ बेटी अकेली है, बेटी अकेली या वाइफ अकेली है, तो ये गलत है। क्यों गलत है मतलब? और इन्होंने बोला लड़कियां बाहर जाती हैं या किस तक नहीं शादी होगी तो आवारा हो जाएंगी। लड़के क्यों नहीं आवारा होते? मतलब वो भी तो आवारा गर्दी करती हैं, रात में लड़कियां छेड़ते हैं, वो आवारा गर्दी नहीं है? लड़कियां अगर रात में निकलती हैं या किससे ज्यादा अगर उनकी एज हो जाती है तो आवारा गर्दी करेंगी वो? तो ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ये। सबसे पहले हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि महिलाओं का सम्मान प्राइमरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रधानमंत्री जी या कोई सरकार ये तय करेगी कि आपको क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, आपसे पहले आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है भारत की संस्कृति का कत्ल का टेंडर छूटा हुआ है। 377 चला गया कानून तो पहले से। बिल्कुल, आपको मौका, आप ही की बात आ रहा हूं। कानून तो पहले भी सरकारी निर्धारित करती थी, 18 साल की उम्र निर्धारित हुई, वो भी सरकार ने निर्धारित किया था। कानून तो सरकार ही बनाती है, कानून कौन बनाएगा? और कानून बनाती सरकार, लॉ मेकर्स विल मेक लॉ ना, बिल्कुल लॉ मेकर्स ही बनाएंगे। लेकिन कानून बनाने से पहले उन्हें भारत की संस्कृति को समझना पड़ेगा। अच्छा। जिस प्रकार 377 गया, क्या ये सनातन धर्म की संस्कृति है? नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर होगा। लेकिन 377 सेम सेक्स हमारे यहां नहीं है। दूसरी चीज, मर्यादा पुरुष श्रीराम की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी बता दें कि सीता जी की उम्र कितनी थी, क्या 6 और 8 के? नहीं है डिस्कशन। दूसरी चीज, हम तो चाहते हैं कि आजाद का मतलब यह है 18 के पक्ष में है सर, या फिर 21 के पक्ष में है? जवाब दीजिए इस बात का। 10 सेकंड तो दे दीजिए, 25 सेकंड। हाँ 25 सेकंड मैं बता रहा हूं। क्या बता दें कि जो 18 साल में से पहले लड़की या 18 साल की शादी करना चाहती है उसको आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं और मेरा परिवार शादाब चौहान से शादी करने तैयार और मैं 19 साल की और कानून बन गया, तो मैं कह रहा हूं मैं तो तैयार हूं, क्योंकि हम कैसे मान लें उसकी आजादी चली जाएगी। अच्छा, मैं लड़कियों से पूछ देता हूं, आपको लगता है आपकी आजादी चली जाएगी अगर आपकी 21 साल में शादी नहीं होगी? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग मुझे इतने घबराए हुए लग रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की आत्मनिर्भर ना बन जाए, वो पढ़ लिख ना ले, वो आगे ना बढ़ जाए। बहुत शानदार। इनको इतना डर है, इनको इतना ज्यादा डर है कि पता नहीं इनसे कौन सी इनकी पावर छीन ली जाएगी अगर लड़की आगे बढ़ जाएगी। सर आपको बहुत डर है सर इस बात से? मैं यहाँ बैठ जाऊँ आप निपट नहीं पाएंगे इन लोगों से। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब देना रशीदी साहब। नहीं नहीं, जवाब सुन लीजिए मैडम। आप एक लड़की की बात करेंगे, अगर एक लड़की 19 साल की हो के आपसे शादी करना चाहती है लेकिन उस सैकड़ों लड़कियों का जो पढ़ना चाहती है? मैडम सुन तो लीजिए, उन सैकड़ों लड़कियों का क्या सर जो मैडम जवाब तो सुन लीजिए आप। मैं जानता हूँ कि आप बोल रही है, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए। बोलिए सर। शादी का और एजुकेशन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मेरे परिवार में। मैं एग्जाम्पल क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई पढ़ाई, शादी पढ़ाई को नहीं रोकती। नहीं नहीं नहीं, शादी और पढ़ाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। शादी जब लड़की और परिवार चाहेगा तो शादी होगी, और हर जगह पर नहीं, परिवार होने का 16 में तो नहीं होगी शादी। नहीं नहीं नहीं, शादी जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा है। लड़की से क्या बोल रहे हैं आप? शादी की मर्जी जितनी जल्दी होगी उतना ही अच्छा। लड़की की मर्जी बात की बात पर मर्जी के खिलाफ नहीं सर। अगर मैंने 12th की है और मैं 18 साल की और मेरे परिवार अब चाहेगा कि मैं शादी कर लूं, तो मेरे पास राइट है कि मैं 21 साल होने से पहले कोई मेरी शादी नहीं करा सकता। कौन जबरदस्ती कर रहा है आपसे? करिए, कोई गन लेके तो नहीं खड़ा शादी करना पड़ेगा? कोई गन लेके तो नहीं खड़ा ना आप पर? वो मर्जी है। अगर 18 साल की लड़की शादी करना चाहती है उसका राइट ले लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका राइट ले लेंगे बिल्कुल। मैं एक और बोलना चाह रहा था, शादी और एजुकेशन का रोल है कि नहीं है?
बहुत बड़ा रोल है शादी और एजुकेशन का। कई फैमिली ऐसी है कि नहीं पढ़ने देते लड़कियों को, शादी होने के बाद उसको बोलते घर का काम करो, बच्चा संभालो, तो आप जाओगे उनको पढ़ाने के लिए? कई फैमिली तो ऐसी है, कई आप जाओगे उनको पढ़ाने के लिए? कई फैमिली तो ऐसी है, कई लोग तो ऐसे हैं, शादी करते हैं ना तलाक देते हैं, ना इधर छोड़ते ना उधर छोड़ते हैं, चले जाते हैं दूर और बन जाते हैं कहीं के कुछ बड़े बड़े लोग। ऐसे 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोग हैं भारत में, बात करिए उन 22 लाख लोगों की। ऐसा है आज बड़ी ऐसा है, ऐसा है इस देश में वैसे 22 लाख लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चार चार शादियां करते हैं, उन्हें भी सुधार आजादी है, आपके लिए कमोडिटी है, आपके लिए कमोडिटी है, औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, शर्म आनी चाहिए, लेकिन शेम पब्लिक कह रही है शेम। वो जो चाहे जी जी सर, आपकी उम्र काफी लग रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि बाल सफेद कोई धूप में नहीं होते, एक एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं सर इस पूरे? देखिए जब ये 18 से 21 साल होगी तो 90% हमारी जो बच्चों को पढ़ने को मौका मिलेगा, और जब शादी कर देते कहते भी अब ये शादी होगी घर का काम देखेगी, तो 90% बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। 5-7% परिवार होते हैं जो कहते पढ़ लो बेटे, 90% तो 90% परिवार को बच्चों को हम आगे बढ़ाने। दूसरा मैंने नीमन परिवार माफ करिए सर, मैं एक आपकी उम्र पूछूंगा, मतलब आपको बुरा ना लगे, आपकी उम्र क्या है सर? 62 और आपकी शदाब भाई उम्र क्या होगी? 27 27 साल की, ये 27 साल की सोच है, ये 60 साल की सोच है, कुछ सीखने को मिल रहा है? ये 27 और 70 की नहीं बात है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्या किस क्राइटेरिया पे बात हो रही है वो मैटर करेगा। एक तजुर्बे की बात बताता हूँ, मैंने निमन परिवार की बहुत औरतों से बात करी जो 30-35-40-45 साल की, उनको एक मलाल है, अगर हमारी शादी 18 की नहीं होती हम भी ये कपड़े साफ नहीं कर रहे होते, हमें बर्तन भी धोने पड़ते थे, उन्हें बहुत मलाल है, उन्हें ये मलाल है, अगर उनकी फिक्र करेंगे आप, एक हमारी बहन क्यों डांट रहे हैं उनकी, ये तो बात रख रहे हैं आपकी, आपसे दुगनी उम्र के हैं, नहीं तो मैं आपसे मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप उन्हें डांट रहे हैं? डांट नहीं रहा हूँ, कम से कम उत्तर तो लिहाज रखिए। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो मेरे छोटे मेरे बेटे अगर 100 में से 90% भी ठीक कर दिया तो 90% तो परिवार बच्चे आगे बढ़ेंगे, 90% तो आगे बढ़ेंगे ना। व्यूअर्स मैं एक संवाद आपसे करता हूँ, फाइनेंशियली एक महिला को फ्रीडम के लिए जरूरी है वो पढ़े, और बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि 12th करते करते 18 साल की उम्र चली जाती है, जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं करोड़ों दर्शक जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस कमेंट को सुनेंगे, इस संवाद को मेरे सुनेंगे, वो बात को समझेंगे। मैं दिल से आपसे बात करना चाहता हूं आज, मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैं किसी टेलीविजन स्टूडियो में खड़ा हूं, मैं आज बात करना चाहता हूं बतौर भारत का नागरिक, भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप कभी हर चीज को उठा के देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी समस्या हमारी जनसंख्या है, और उससे उसके बाद हमारी समस्या है कि हमारे यहां साक्षरता दर कम है। अगर इन दोनों को हमें बेहतर करना है, इन दोनों को हमें बेहतर करना है, तो जरूरी है कि हम इसके नटबोल्ट को टाइट करें, और उसी में जरूरी है कि लड़कियां पढ़े, क्योंकि 18 साल तक तो 12वीं पास नहीं होती, हम कहां ग्रेजुएशन की उम्मीद करेंगे उस लड़की से? और जब तक वो लड़की ग्रेजुएट नहीं होगी, जब तक वो कहीं नौकरी नहीं करेगी या कोई स्वयंभू अपना काम नहीं करेगी, तो वो फ्रीडम, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? हमारे देश में कहा जाता है कि बेटा बहुत अच्छा, ऐसी एक सोच है, बहुत लोगों की सोच ऐसी होती थी, कुछ लोगों की अभी भी है, लेकिन इस देश में कल्पना चावला भी हुई है, इस देश में सानिया मिर्जा भी हुई है, इस देश में साइना नेहवाल भी हुई है, हम क्यों भूल जाते हैं? परिवारों को कहां से कहां उठा के ले जाती है बेटियां? आज मैं ये आपको यकीन से कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उम्र अगर 18 से 21 होगी तो कई साइना नेहवाल, कई कल्पना चावला और निकलेंगी जो गांव देहात से आएंगी, लेकिन हमारे देश के कुंठित नेता, and I want to say it on their face tonight, हमारे देश के कुछ कुंठित नेता और कुछ कुंठित बुद्धिजीवी जो अपने आप को मानते हैं, वो इस फैसले के भी विरोध में है। आप इनको ईश्वर भी दे देना तो ये लोग उसका भी विरोध करना शुरू कर देंगे, इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कई बार कहा जाता है हाथी को आगे बढ़ना होता है, हाथी को आगे बढ़ना होता है क्योंकि कुछ लोगों का काम ही होता है उनके उसके पीछे पड़े रहना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए भारत की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए,
भारत की आवाम की तरक्की के लिए, देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक मुट्ठी में सजोकर आगे निकलने के लिए जरूरी है हमारे देश के अंदर कुछ बदलाव हो, और बदलाव जरूरी होता है। सती नहीं थी गलत, बदली, लोगों की दशा और दिशा बदल गई। चाइल्ड मैरिज नहीं थी गलत, बदली, देश